अजय चौधरी जो HCL के फाउंडर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर सेक्टर स्किल काउंसिल नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। अजय जी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इतना बड़ा विषय है और उतना ही बड़ा है प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट का इस सेक्टर। जी हाँ। इतना बड़ा होते हुए हमारी इतनी समस्या क्यों है? समस्या इसलिए है कि बहुत दिनों तक हमने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एरिया को छोड़ दिया था बीच में, और IT पे ज़्यादा फोकस रहा, सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा फोकस रहा, हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स पे कम फोकस रहा है कंट्री का। एक आम आदमी के लिए बताइए कि IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में अहम फ़र्क क्या है? बेसिकली अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर लिखते हैं, उसको IT बोलते हैं। कंप्यूटर के अंदर जाता है, और जो कंप्यूटर इटसेल्फ है वो हुआ हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दिमागी सिलसिला इसमें नहीं है, इसमें हाथों का हुनर ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हाथों का हुनर है इस एरिया में। अगर आप हार्डवेयर या इलेक्ट्रॉनिक्स को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी जी, पर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या रिपेयर करना चाहते हैं तो उसमें हुनर की ज़्यादा ज़रूरत है जी, और इसलिए इसमें जो नौकरी है उसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है। फिर तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि करीब 65% जो है वो इम्पोर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उससे क्या है हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग की जो नौकरियां हैं वो चाइना चली जाती हैं। उसको बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी आई है, उसमें काफ़ी नए नए इंसेंटिव्स दिए गए हैं जी। जैसे कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बनाते हैं तो उसमें एक चिप जो होता है जी, जो सेमीकंडक्टर चिप होता है, वो तो सब प्रोडक्ट में होता है, सब इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। उसका अभी अभी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है और 50,000 करोड़ के 2 प्लांट्स यहाँ लगने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह होगी जब हम चिप्स इंडिया में बनाने लगेंगे ना तो उससे दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनने लगेंगे। अगर हम अपना प्रोडक्शन, हम अपनी मैन्युफैक्चर करेंगे, उसका क्या पोटेंशियल है? मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी जॉब्स होंगी। मिसाल दीजिए, जैसे लोग एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उसमें अपने कॉम्पोनेंट्स लगा रहे हैं जी, उसकी एक जॉब है जी। दूसरा, आप प्रोडक्शन लाइन ऑपरेटर हैं, उसकी एक जॉब है। एक टेस्टिंग की जॉब है कि आपने सारा कंप्यूटर बना लिया, उसको इंटीग्रेट कर लिया, उसके बाद उसको टेस्ट करिए, उसकी जॉब है। तो इस तरह की बहुत सारी जॉब्स हैं। जो IT और सॉफ्टवेयर की जॉब्स हैं वो डिग्री वाली जॉब्स हैं, हाई एंड जॉब्स हैं। इसमें सारी ब्लू कॉलर जॉब्स हैं जैसे बोला जाता है जी, जी, तो जी। उस तरह से फायदा ये होगा कि हम बहुत सारे लोगों को नौकरियां दे सकेंगे। बहुत सारे लोग इंडिया में ये सोचते हैं कि भाई हम एक डिग्री ले लें उससे हमें नौकरी मिल जाएगी। ये गलत सोचने का हिसाब किताब है। अगर आप उसकी जगह एक हुनर सीख लें जी, जैसे आप TV रिपेयर का हुनर सीख लें या सेट टॉप इंस्टॉलेशन का हुनर सीख लें, इस तरह के हुनर सीखने से आपको नौकरी तो ज़रूर मिल ही जाएगी, उसके साथ आप नौकरी भी क्रिएट कर सकते हैं दूसरों के लिए। ये जो आपके जो हुनर का सर्टिफिकेट होगा, क्या इसको हम डिग्री के मुकाबले में इसको जज कर सकते हैं? बिल्कुल। इसके लिए एक प्रोग्राम जो बनाया है गवर्नमेंट ने, उसके अंडर NSDC एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं जी। उस सर्टिफिकेट से लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये हुनर इनको बहुत अच्छे से आता है जी। और दूसरा, स्टार की स्कीम तो इसके भी आगे जा रही है जी। कोई भी बंदा इस भारत देश में अगर कोई भी हुनर सीखना चाहता है, गवर्नमेंट उनको 10,000 रुपए देगी जी। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कहें कि अगर वो स्किल की ट्रेनिंग लें तो क्या उनका फ्यूचर हो सकता है जी। अगर आप आगे अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं तो कोई ना कोई हुनर आप ज़रूर सीखिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया में तो इस हुनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है इस कंट्री में, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हर आदमी को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक स्किल्स काउंसिल आपको ट्रेनिंग दे सकती है जिससे आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे और आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनको हमने हिदायत दी हुई है कि आप 60% या 70% लोगों को, प्रतिशत लोगों को नौकरियां भी दिलवाएं। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, हम सोचते हैं इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होने वाला है और इससे काफ़ी नई नई जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी।